तो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिखाता हूं कि इंडिया के सबसे बड़े बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे पे कितना कुछ काम हुआ है, या फिर आपसे यूं कहूं कि कितना कुछ काम हुआ है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं वाया सोना रोड होते हुए, जी हाँ, और फिर हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद मैं आपको लेकर चलने वाला हूं उस जगह तक जहां पर इसका सबसे पहला टोल प्लाजा बनाया जा रहा है और जहां पर ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन को क्रॉस करेगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है हमारे आपके सबसे फेवरेट परियोजना पे। लेकिन उससे पहले कमाल का नजारा देखो, तब तक मैं आपको ड्राइव करके आगे की तरफ लेकर चलता हूं। तो जब जब गुड़गांव में या फिर हरियाणा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात होगी तो इस सोना रोड की भी बात होगी, क्योंकि इसी सोना रोड के जरिए आप NH8 से कनेक्ट कर सकते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। और यहाँ पर इस बोर्ड पे लिखा भी है दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेसवे जाने के लिए लेफ्ट रख सकते हैं आप, और इसी तरफ से बड़ी आसानी से आप कनेक्ट हो जाओगे। आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपने इंडिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट किया है। जी हाँ, वैसे ये जो NH 248A है, जिसे सोना रोड भी कहा जाता है, ये दो स्टेट को कनेक्ट करता है, जी हाँ, हरियाणा और राजस्थान को। इसलिए ये हाईवे भी इम्पॉर्टेंट है तो सामने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि सैटरडे को आपको अपडेट दूंगा कि किस तरीके से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे काम किया जा रहा है या कितना कुछ काम किया जा रहा है, तो आज इसी की बात होगी। और आज इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चलिए कनेक्ट हो ही जाते हैं। सोना रोड से यहाँ से आप कनेक्ट होंगे। अभी इस जगह पर बैरिकेडिंग इसलिए की गई है क्योंकि इस यहाँ पर अभी काम चल रहा है, और काम चल रहा है इस जगह पर लेन बनाने का, लेन ऐड करने का। इस पॉइंट पे, इस इंटरचेंज पे कितना कुछ काम हुआ था उसका तो मैंने आपको अपडेट दिया ही भाई। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ड्राइव कर सकते हो। लास्ट दो दिन पहले जो इसका अपडेट दिया था मैंने, तब उस वक्त पे यहाँ पर काम किया जा रहा था अर्थवर्क का काम। आज अगर आप देखोगे तो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर काम क्या किया जा रहा है, अच्छी तरीके से रोड रोलर की मदद से इसको प्रेस किया जा रहा है और फिर इसके ऊपर ब्लैक टॉप का जो काम है वो किया जाएगा। ब्लैक टॉप यहाँ पर बन चुका है, उस दिन बनाया जा रहा था, और आज अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। इस पे आप ड्राइव कर सकते हैं 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और एहसास आपको बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि बहुत ही कमाल का काम किया है इस पे NHAI और उनकी टीम ने, और बहुत ही कमाल का काम किया है जो कंपनी इस पे कंस्ट्रक्शन कर रही है, एप्को ने। इस जगह पर आपको लेन वैसे ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक मर्ज होगा, चाहे वो NH8 से आए या द्वारका एक्सप्रेसवे से आए या फिर सोना रोड की तरफ से आए, सोना से आए, नू से आए, तो इसी वजह से यहाँ पर लेन ज़्यादा दिया गया। ड्राइव करने के लिए आपको 6 लेन मिलेगा, 1 लेन आपको मिलेगा जहाँ पर आप अपनी गाड़ी को रोक सकते हैं। जी, जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो लेन आपको दिखेगा जो कि कम होता हुआ जाएगा, जी हाँ, और वो हो जाएगा 4 लेन का। एक्चुअली प्रॉपर आपको 5 लेन देखने को मिलेगा, 1 लेन आपको मिलेगा अपनी गाड़ी को रोकने के लिए, कि अगर आपको अपनी गाड़ी कहीं पर रोकनी है तो आप आसानी के साथ रोक सकते हो। आज जो मैं अपडेट दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर आपको झटके लगे तो समझ जाना कि वहाँ पर फाइनल ब्लैक टॉप का जो परत डालना है उसका काम नहीं हुआ है, और जहाँ पर झटके ना लगे, जहाँ पर आपको लेन मार्किंग का काम दिखे, समझ जाना कि यहाँ पर काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और समझ जाना कि हम और आप इस पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव कर सकते हैं इस पॉइंट पे। यहाँ पर लास्ट टाइम जब मैंने आपको दिखाया था तो उस वक्त पे ये जो लेन मार्किंग का काम है वो नहीं किया गया था। आज अगर आप देखेंगे तो लेन मार्किंग का काम भी कर लिया गया है, क्रैश बैरियर जो लगाना है वो भी लगा दिया गया है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा, आपको ईस्ट साइड 4 लेन ड्राइव करने के लिए मिलेगा। 4 लेन आपको इस तरफ मिलेगा, 4 लेन आपको दूसरी तरफ भी मिलेगा, और 1 लेन आपको मिलेगा अपनी गाड़ी को रोकने के लिए। तो टोटल इस पे 10 लेन है इस वक्त पे, जी हाँ, फ्यूचर में इसे 12 लेन तक का किया जा सकता है। नहीं 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 सॉरी
अगर इन दोनों लेन को भी ऐड कर दो तो फ्यूचर में इसे 14 लेन तक का किया जा सकता है। 12 लेन आपको मिलेंगे ड्राइव करने के लिए और 2 लेन आपको मिलेंगे अपनी गाड़ी को रोकने के लिए, यानी कि 6 लेन ईस्ट साइड आपको ड्राइव करने के लिए मिलेंगे और 1 लेन मिलेगा जहां पर आप अपनी गाड़ी को रोक सकते हो। और इसी वजह से यहां पर ग्रीन पट्टी की इतनी जगह छोड़ी गई है। भारत में कहीं भी आपको किसी भी एक्सप्रेसवे, किसी भी हाईवे के ऊपर इतनी ज्यादा जगह नहीं देखने को मिलेगी जहां पर इतना सारा जगह छोड़ा गया हो ग्रीन पट्टी के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलता है इस जगह पर, यानी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर। और आप जब स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला ये ब्रिज आपको दिखेगा जो कि गढ़ई वाजिदपुर में बनाया गया है। ब्रिज तो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, अब इस ब्रिज का फाइनल जो काम है वो किया जा रहा है। इसके ऊपर फाइनल परत डालने का जो काम है वो किया जा रहा है, उसी का काम इस जगह पर टीम कर रही है। जी हाँ, ये जो देख रहे हो आप जी। चलिए अब यहाँ से मैं लेता हूँ राइट दूसरी तरफ और उस तरफ से होते हुए आगे की तरफ जाता हूँ, क्योंकि दूसरी तरफ का जो ब्रिज है ना इसका, वो बनकर तैयार हो चुका है। ये देखो, कहा था ना आपसे इंडिया में कहीं भी आपको इतना बड़ा ग्रीन पट्टी का स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस तरफ देखोगे तो लेन बन चुका है। आपने ज़्यादातर जो रोड देखे हैं इस देश में, वहाँ पर ऐसा होता है कि जहाँ पर ब्रिज होना या जहाँ पर कोई भी पुलिया हो, एलिवेटेड पार्ट हो, तो वहाँ पर आपकी गाड़ी को झटका लगता है। लेकिन इस एक्सप्रेसवे पे ऐसा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी एहसास नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके नीचे ब्रिज है जब तक आप पैराफिट वॉल को ना देख लो। जी, पैराफिट वॉल जो कि एक कंक्रीट का जो दीवार होता है ना, जो रोड से थोड़ा सा ऊपर होता है, जब तक उसको नहीं देखोगे तो एहसास नहीं होगा कि इसके नीचे ब्रिज है। अब दिखाता हूँ आपको, एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। जैसे कि इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये ब्रिज है, ड्राइव करोगे तो बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। सिर्फ इन दीवारों को जब देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में जो है, तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कंक्रीट का पार्ट है। ऐसा कमाल का ये रोड बनाया है, और हो भी क्यों ना, 1,00,000 करोड़ की लागत से एक्सप्रेसवे पे काम किया जा रहा है। दिल्ली से स्टार्ट होता है, जाएगा महाराष्ट्र तक, दिल्ली में DND से स्टार्ट होता है एक पैकेज इसका यहाँ से। तो ये जो लाइन जिस पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये मेन लाइन है, और दिल्ली का जो लाइन है, दिल्ली का जो अलाइनमेंट है, वो इसी मेन लाइन पे आकर मिलेगा, खलीलपुर में आकर मिलेगा KMP एक्सप्रेसवे पे। तो उस जगह पर 3 रोड आपस में मिलेंगे, एक ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दूसरा वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और तीसरा जो अलाइनमेंट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का आएगा दिल्ली की तरफ से। और ये तीनों आपस में कनेक्ट करेंगे सबसे बड़े इंटरचेंज की मदद से। जी, इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा जो इंटरचेंज बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है खलीलपुर में, और उसके ऊपर भी आपको दिखाऊंगा कितना कुछ काम हुआ है। बहुत कुछ दिखाना बाकी है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। चलिए, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आपको एहसास भी नहीं हो रहा होगा कि 120 किलोमीटर की स्पीड है। जी, बड़ा ही कमाल का दृश्य है इस जगह पर। ग्रीन पट्टी ये लगा दी गई है, इस पॉइंट पे ग्रीन पट्टी सबसे पहले लगाया गया था, इस वजह से आपको यहाँ पर फ्लावर्स भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले ब्लैक टॉप का काम यहीं पे कंप्लीट हुआ था, इसी पॉइंट पे, और इसी वजह से आपको ऐसा ये दिख रहा है। ये देखिए, देख रहे हैं नज़ारा कितना कमाल का है, बहुत ही कमाल का नज़ारा है। और ग्रीन पट्टी जब लग जाएगा ना, तब तो और भी कमाल का नज़ारा यहाँ पर दिखेगा। वैसे इस एक्सप्रेसवे पे जब आप ड्राइव करते हो तो एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है, कॉमन है नहीं, और वो है ये ग्रीन पट्टी। और ग्रीन पट्टी की एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि बाद बाकी जगहों पे अगर आप देखोगे जितने भी एक्सप्रेसवे है, हाईवे है, तो उन पे क्या होता है, ग्रीन पट्टी का जो एरिया होता है ना वो ऊँचा होता है कंपेयर टू जो ये हाईवे का पार्ट होता है। उससे क्या होता है, तो उसकी जितनी मिट्टी है बारिश के दिनों में वो हाईवे के ऊपर आ जाता है, रोड के ऊपर आ जाता है, जिससे रोड भी गंदा होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इसमें जो ग्रीन पट्टी की जगह है उसको डाउन रखा गया है, इस वजह से जो मिट्टी है वो कभी भी इस रोड पे आएगा नहीं, और ये जो हाईवे है, ये जो एक्सप्रेसवे है, ये कभी गंदा होगा भी नहीं। कहा जा रहा है 24 घंटे का सफर आप 12 घंटे में तय कर सकते हो इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए, तो इस बात में मुझे तो कोई दो राय नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। सामने यहाँ पर अगर देखोगे तो इस जगह पर सबसे बड़ा एलिवेटेड पार्ट हमें और आपको देखने को मिलेगा, और वो एलिवेटेड पार्ट पे ऑलमोस्ट जो काम है कंक्रीट वर्क का वो कंप्लीट हो चुका है। जी, अब इसके ऊपर फाइनल ब्लैक टॉप का जो काम है वो किया जाना है, और ये जो एलिवेटेड पार्ट है ना, इसको फाइनली ये जो हाईवे का पार्ट है जहाँ पर मिट्टी डालकर लेन बनाया गया था उससे कनेक्ट कर दिया गया है। और ये जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर आप पूरा देख रहे हैं, ये 6 लेन का है ईच साइड,
जी 6 लेन आपको इस पे मिलेगा, और ये जो पूरा एलिवेटेड पार्ट है ये है तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा। जी हाँ, इसके ऊपर फ्लोरिंग का काम हो चुका है, आपस में इनको जो जॉइंट किया जाना था उनका भी काम हो चुका, जो गैप था उनको जो फिल करना था वो भी काम हो चुका है, अब पैराफिट वॉल का काम किया जा रहा है। मैं यहाँ से यूटर्न ले लेता हूँ और टीम को काम करने देता हूँ, क्योंकि हमें और आपको और भी आगे जाना है, और इससे पहले कि अंधेरा हो जाए हमें और आपको आगे चल ही लेना चाहिए। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे हर 500 मीटर पे रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जाएगा, और ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वही बनाया गया है। इस जगह पर बारिश का जो पानी है वो नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ पर जो रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया है इसके अंदर बारिश का सारा पानी चला जाएगा, और इससे होगा क्या कि जो बारिश का पानी है वो ऐसे ही बर्बाद नहीं होगा। और इस जगह पर आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रिज का पार्ट है, तो इसलिए यहाँ पर अच्छे खासे रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए गए हैं। अब नीचे से अगर आप देखोगे तो ऐसा आपको नज़ारा देखने को मिलता है। एलिवेटेड पार्ट जिसके ऊपर अभी ड्राइव करके आपको दिखाया है, यानी कि ये जो फ्लाईओवर है ये 6 लेन का है, लेकिन ऐसा ही 6 लेन का ईस्ट साइड और बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो वॉल देख रहे हो ना, यहाँ तक NHAI की ज़मीन है, तो अगर 6 लेन और ऐड करना हुआ ईस्ट साइड, यानी कि ईस्ट साइड अगर 12 लेन बनाना हुआ और 24 लेन का पूरा इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को करना हुआ यहाँ पर, तो बड़े आसानी के साथ किया जा सकता है। इतना लैंड एक्वायर करके रखा है NHAI ने यहाँ पर, आप देख रहे हैं, भविष्य को ध्यान में रखकर NHAI काम कर रही है। और ये NHAI में जो नया बदलाव आया है नितिन गडकरी साहब के आने के बाद, ये मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने में सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आती हैं वो आती है भूमि अधिग्रहण की वजह से, और जब आपके पास अच्छा खासा स्पेस हो, लैंड हो, तो NHAI कभी भी यहाँ पर कुछ भी बना सकती है और कभी भी यहाँ पर लेन ऐड कर सकती है, और इसी वजह से इस जगह पर इतना सारा लैंड एक्वायर करके रखा है ताकि भविष्य में कोई भी दिक्कत ना आए। यहाँ पर ये एलिवेटेड पार्ट एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट कर दिया गया है, अब इसके ऊपर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है, और जहाँ पर पैराफिट वॉल का काम नहीं किया गया उस जगह पर पैराफिट वॉल का काम किया जा रहा है। और अभी इस वक्त पे अगर आप देखोगे तो इस पे पैराफिट वॉल का काम मोस्टली जगहों पे किया जाना है, अभी किया नहीं गया है। और इसके अगर दोनों साइड का अगर आपको व्यू दिखाऊँ ना तो बड़ा ही कमाल का दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको, इसके बीच में ड्राइव करते हैं। हाँ, ये जो एलिवेटेड पार्ट बना है इसके बीच में ड्राइव करोगे ना तो बड़ा ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। सर्विस रोड भी यहाँ पर बनाया जाना है, सर्विस रोड बनाया जाएगा, ये देखो यहाँ से नज़ारा देखो आप, है ना। अच्छा, वैसे आगे रास्ता बंद है तो मैं यूटर्न ले लूँगा, ये तो बस आपको दिखाने के लिए मैं इस तरफ लाया हूँ, लेकिन इस तरफ नज़ारा वाकई में बहुत अच्छा लगता है। और ये एक जो रोड है सोना फरीदाबाद बल्लभगढ़ रोड, और जो आगे आएगा सोना पलवल रोड, इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया गया है सर्विस लेन की मदद से, वहाँ से हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कनेक्ट किया है। उसके बाद ये आपको यहाँ पर दूसरा इंटरचेंज देखने को मिलेगा, तो यानी कि अगर आप सोना फरीदाबाद बल्लभगढ़ रोड से आते हो या फिर सोना पलवल रोड से आते हो तो भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके लिए भी हमें और आपको इंटरचेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस रोड पे नहीं, वो इंटरचेंज बनाया गया है सोना पलवल रोड के ऊपर, और सोना पलवल रोड के ऊपर बनाया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर इस रोड से आते हैं सोना फरीदाबाद बल्लभगढ़ रोड से तो कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच में सर्विस रोड दिया गया है, तो सर्विस रोड से होते हुए और आप सीधा इंटरचेंज की मदद से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट हो जाएंगे। इस जगह पर लास्ट टाइम जब मैंने आपको दिखाया था ना, तो यहाँ पर अर्थवर्क का काम किया जा रहा था, ब्लैक टॉप का काम किया जाना था, आज अगर आप देखोगे तो वो काम बड़ी आसानी के साथ कर लिया जा चुका है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जितने भी गडर्स के काम किए जाने थे, गडर्स डाले जाने थे, एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जाना था, उसका काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर मोस्टली जो काम किया जाना है वो किया जाना है, फ्लोरिंग वर्क किया जाना है, और उसी का काम करते हुए आपको इसके ऊपर टीम नज़र आएगी हर वक्त हर समय। जी, ये यहाँ पर बीच में जो अर्थवर्क का काम किया गया है यही बनाया जा रहा है सर्विस रोड, जिसकी मदद से सोना पलवल रोड और सोना फरीदाबाद बल्लभगढ़ रोड को कनेक्ट कर सकते हैं आप, और जिसकी मदद से इन दोनों रोड को आपस में जोड़ा जा रहा है। ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं दोनों के बीच में, सिर्फ 900 मीटर का ही डिस्टेंस है, चाहे वो सोना पलवल रोड हो या फिर सोना
फरीदाबाद बल्लभगढ़ रोड हो, इन दोनों रोड के बीच में यही दूरी है और इसी दूरी को कम करेगा ये रोड जिसके ऊपर मैं ड्राइव कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये जो दो एलिवेटेड पार्ट आपको दिख रहा है ये है एक्सप्रेस लेन का, जिसके ऊपर रखकर आप आगे की तरफ जा सकते हैं। इसके दोनों साइड ये जो कंक्रीट का पार्ट आप देख रहे हैं, यानी कि ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये है इस एक्सप्रेस वे पे इंटर करने के लिए, यानी कि इस जगह पर आपको एंट्री पॉइंट दिया जाएगा और सामने यहाँ पर जो देख रहे हो ये है एग्जिट करने के लिए। तो आप इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट भी कर सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं इस जगह पर, यानी कि सोना पलवल रोड पे, और इसी वजह से आपको कंक्रीट का यहाँ पर इतना सारा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इधर भी वो बनाया गया है और इस तरफ भी बनाया गया है, इसके बीच में अर्थवर का काम किया जा रहा है और अब ये वाला जो पार्ट है इसको एलिवेटेड पार्ट से कनेक्ट किया जा रहा है। वाओ, जब ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो अच्छी तरीके से इस पर ड्राइव करके मैं आपको समझा दूंगा कि किस इंटरचेंज से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन सच बताऊं बड़ा ही आसान होने वाला है। हाँ, सच बताऊँ तो आना तो मुझे दिन में था, लेकिन ब्लॉग एडिट करने के चक्कर में मैं हो गया लेट और इसी वजह से मुझे शाम को आना पड़ा। अदरवाइज़ इस पर अच्छा खासा काम आपको देखने को मिलता है, यानी कि अदरवाइज़ आपको इस पर अच्छी खासी टीम नज़र आती जो कि इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को बनाने का काम कर रही है। ये सामने इलेक्ट्रिकल व्हीकल, हरियाणा सरकार, वाह यही फ्यूचर है भाई, इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ। इलेक्ट्रिकल व्हीकल से मुझे याद आया, इंडिया में फाइनली सक्सेसफुली 5G का टेस्ट हो चुका है और सच बताऊं पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। एंड टू एंड जो कॉल किया गया है और उसमें जितनी भी चीज़ें यूज हुई हैं वो सब कुछ मेड इन इंडिया है। इससे बड़ा गर्व का पल हमारे आपके लिए, इंडियंस के लिए हो नहीं सकता, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो। इस जगह पर मेरे पीछे जो ये आप देख रहे हो ये ब्रिज बनाया जा रहा है, और ये ब्रिज बनाया जा रहा है ताकि इंडियन रेलवे की डबल डेकर मालगाड़ी इसके नीचे से गुजर सके। जी हाँ, इसी जगह पर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी काम किया जा रहा है जो कि L&T द्वारा किया जा रहा है, और ये जो ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है ये किया जा रहा है एप्को कंपनी द्वारा, NHAI द्वारा। और ऐसे यहाँ पर दो ब्रिज बनाए जा रहे हैं, एक ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है, दूसरे ब्रिज का आधे से भी कम हिस्सा वो भी बनकर तैयार हो चुका है। और ये जो जगह है ये संचोली है, इसी जगह पर इंडियन रेलवे की मालगाड़ी क्रॉस करेगी इस पॉइंट पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को, और हम और आप क्रॉस करेंगे इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की मदद से इस जगह पर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन को। चलिए आपको और भी आगे लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसका जो सबसे पहला टोल प्लाजा होने वाला है उस पर काम किया जा रहा है। तो इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों ये जो एलिवेटेड पार्ट है ना वो आकर कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये जो कंक्रीट का पार्ट बनाया गया है, और इस जगह पर कंक्रीट का लेन आपको इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर टोल प्लाजा बनाया जा रहा है। इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से टोल प्लाजा का निर्माण किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, सबसे पहले आप ये देखो कितना अद्भुत सनसेट का नज़ारा है, ये मन को मोह लेने वाला ये दृश्य है। और चलिए मन को मोह लेने वाला एक और दृश्य आपको दिखाता हूँ, सामने यहाँ पर जो टोल प्लाजा बनाया जा रहा है उसका काम दिखाता हूँ। इस जगह पर आपको 32 लेन देखने को मिलेगा, जी हाँ 32 लेन यहाँ पर बनाया जा रहा है ताकि इस जगह पर कभी भी स्लो डाउन ना हो, क्योंकि आपको पता है जो भी गाड़ी आएगी उसको यहाँ पर रोकना पड़ेगा और इस जगह पर उसको दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको टोल पे नहीं करना है, बस आपकी गाड़ी में जो फास्टैग लगा होगा ना यहाँ पर वो टैग पंच होगा, और जहाँ पर भी आप एग्जिट लेंगे जितना किलोमीटर आप इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे सफ़र करेंगे वो डिडक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अभी भी कई हाईवे पे या टोल प्लाजा पे आप देखते हो कि थोड़ा सा लैग करता है फास्टैग जो आपकी गाड़ी में जो लगा होता है और जो सिस्टम लगा होता है टोल प्लाजा पे, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो भी सिस्टम लगाया जा रहा है वो पूरी तरीके से आधुनिक होने वाला है, बहुत ही फास्ट होने वाला है।
तो टोल प्लाजा का निर्माण एक तरफ तो कर लिया जा चुका है, दूसरी तरफ अभी किया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि संचोली तक आपको दिखाऊंगा, तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि कितना कुछ काम हुआ है संचोली में। नेक्स्ट जो इसका अपडेट आएगा वो आएगा इस जगह से, यानी कि संचोली से मैं आपको दिखाऊंगा केएमपी एक्सप्रेसवे तक कि कितना कुछ काम हुआ है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के हरियाणा में सबसे बड़े इंटरचेंज पे, या फिर यूँ कहूँ कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरचेंज पे। तो चलिए, अगले अपडेट का मुझे भी इंतजार रहेगा आपको देने के लिए, और आई होप कि आपको भी रहेगा। तो इसी नोट पे आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। चलो अब लगता है मुझे सबसे सेफ यही होगा कि गाड़ी के अंदर बैठ जाऊँ। पूछोगे क्यों? क्योंकि भाई आंधी आ रही है बहुत तेज, हाँ, और उसके साथ धूल मिट्टी भी। तो इससे पहले कि वो आंधी यहाँ तक पहुँचे, मैं अपनी गाड़ी में बैठ के आगे की तरफ रवाना हो जाता हूँ। वैसे ऐसा मत सोचना कि बहुत टाइम हो गया, अभी टाइम अच्छा खासा बचा हुआ है मेरे पास भी, लेकिन आंधी बहुत तेज़ आ रही है भाई। इस जगह पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे जो ये है ना, इसकी हाइट अच्छी खासी है, तो इसलिए यहाँ से मैं देख सकता हूँ। चलो मैं चलता हूँ भाई, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय। आप इस ड्रोन शॉट का आनंद लो।